गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे आप सब हो? करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज से फिर एक दूसरा वीडियो लेके आ गए हूँ आपके लिए। आज से 2 साल पहले जब मैंने ये व्लॉग चैनल स्टार्ट किया था, तो आपको पता होगा कि मेरा पहला वीडियो उदयपुर का था। जब मैं उदयपुर गया था तब, तो वो है ना, जो रोड से मैं निकला था वहाँ मैंने आपको पावागढ़ दिखाया था, तो आज वहाँ ही लेके जा रहा हूँ आपको। और वडोदरा के आसपास जो सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह है ना पिकनिक के लिए, वो पावागढ़ ही है। तो आज फाइनली मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ 2 साल के बाद। और वहाँ पहले तो देखना पड़ेगा कि कितना रश है और रोपवे की टिकट मिलेगी या नहीं। मैं रोपवे से नहीं जाने वाला, लेकिन मेरे साथ जो जो भी है वो रोपवे से जाने वाला है, ताकि मैं आपको क्या स्टेयर्स पे ऊपर जाके सब आजू बाजू का भी आपको दिखा सकता हूँ। इसलिए मैं रोपवे में नहीं जाने वाला। और रोपवे का टिकट मुझे ऐसा पता चला है कि 150 पर पर्सन। इसके आगे वाला जो मेरा वीडियो था गलतेश्वर वाला, वो भी बहुत अच्छा रहा। और आज वापस से आपके लिए ये पावागढ़ का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वडोदरा से पावागढ़। देखिए, यहाँ से आप सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ से धीरे धीरे ना पावागढ़ विजिबल हो रहा है। और ये जो हलोल वाले रोड पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ से आप MP, राजस्थान और वो सब जगह भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी मैं जो उदयपुर रूट पे जाने वाला हूँ अभी एक वीक के बाद, वो वही यही रोड से मैं जाने वाला हूँ। देखिए, ये जो होटल है ना, ये रोड पे सबसे ज्यादा रश यही होटल पे रहता है। ये होटल सर्वोत्तम, और यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। ये सब आप इको और ये सब देख पा रहे होंगे। अगर आप बाइक कार नहीं आते, तो इसमें आपको ऊपर माची तक लेके जाएंगे ये लोग। पता नहीं पर पर्सन कितना लेते हैं, मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ। और यहाँ पे ये पावागढ़ का बस स्टैंड, आज रश लग रहा है लेकिन थोड़ा कम लग रहा है। अभी यहाँ से हम राइट लेंगे। देखिए, हम अभी धीरे धीरे नीचे से ऊपर आ रहे हैं। आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए यही वाले रोड पे अभी भी ऊपर जाना है। और ये ऊपर मंदिर वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये पावागढ़ है ना, मैं ऑलमोस्ट 10-12 साल बाद आ रहा हूँ, और बहुत ही मस्त अभी लग रहा है। बहुत कुछ यहाँ पे बदल गया है। आपने भी देखा होगा, जो हमने अभी एंटर हुए थे तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक गेट भी बन गया है, वो पहले नहीं था। ये रोपवे के लिए यहाँ से टिकट लेना है, और उसके रेट बताता हूँ मैं आपको। ये है ना, ये सब रेट है इसके। मैं क्या रोपवे में नहीं जाने वाला, मैं यहाँ से स्टेयर्स से जाने वाला हूँ। और यहाँ पे ऊपर लिखा है, देखिए यहाँ से 1800 सीढ़ियाँ यानी 1800 स्टेप्स है। अच्छी इस तरह के इसके स्टेप्स हैं। ये छोटे छोटे हैं, लेकिन आगे ना बहुत बड़े आएंगे। देखिए, वहाँ पे आपको रोपवे दिख रहे होंगे। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये समझिए, ये जो डोंकी आ रहा है ना, ये गधा, इसके ऊपर माल लदा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे ऊपर माल लेके जाते हैं ये लोग शॉप्स वाले। यहाँ
ये सब यहाँ पे चेंज हो गया। पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था यहाँ पे ये बैठने का सब अरेंजमेंट। सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा महाकाली माँ का, ये भी एक बहुत पुराना मंदिर है। देखिए अभी ऑलमोस्ट ऊपर पहुँचने आए हैं हम, और यहाँ से अभी 200 सीढ़ियाँ बाकी होगी, 200 स्टेयर्स। ये है यहाँ का द्वितीया लेक जो सबसे ऊपर है, और यही सबसे ऊपर है, दूसरा एक नीचे था जो मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पे सामने ये मंदिर जहाँ अभी कामकाज भी चल रहा है। ये जो आखिरी वाले जो स्टेयर्स हैं ये बहुत ही हार्ड है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। मंदिर में बिल्कुल ऊपर तक आ गया हूँ। ये देखिए यहाँ का नज़ारा, हो सकता है अंदर कैमरा अलाउ ना हो। देखिए इस तरह का ये प्रसाद का पैकेट मिलता है जो 50 रुपीस का है, इसमें सूखड़ी आती है। नहीं ये टेंपल में है ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अभी यहाँ पे जिस तरह का बैठने का ने ये सब बनाया गया है, ये पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि रोप वे है ना अभी बिल्कुल ऊपर तक आएगी। देखिए यहाँ सामने माता जी की गादी, फिर पादुका पूजन, प्रसादी काउंटर, ये सब यहाँ पे 50 रुपीज़ का वो बॉक्स है वो जो मैंने आपको बताया था अभी, वो यहाँ मिलता है। दर्शन हो गए हैं और अभी हम वापस घर जा रहे हैं वडोदरा, और मेरा भतीजा और मेरी मम्मी और वो सब साथ में, वो यहाँ से रोपवे में चले जाएंगे। रोपवे में रिटर्न जाने के लिए लाइन है, क्योंकि अभी सब रिटर्न हो रहे हैं, अभी बंद हो जाएगी, तो बहुत लंबी लाइन है पीछे तक देखिए। ऑलराइट, तो अभी ये पावागढ़ का जो मेरा ट्रिप था वो कंप्लीट हो गया, अच्छे से दर्शन हो गए। और अभी वडोदरा में एक नया एक्वेरियम खुला है जो बहुत टाइम से फेमस है, मैं बहुत टाइम से सुनता आ रहा हूँ उसके बारे में। अभी मैं आपको वहाँ पे ले जाऊँगा और वहाँ से ही ये वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ।